तो महाप्रभु जी पे दृष्टि रखो कि महाप्रभु जी के कानीसु अपन ने जो ब्रह्म संबंध लेते वक्त जो सौगंध खाई है कि मैं अपनो विनियोग सेवा में करूंगो, वो अपने को निभानो है, वो अपन निभा रहे हैं तो अपन महाप्रभु जी के सच्चे चाहे। ये कोई विक्रय करके अपन वहां खरीदार बन जाए ये पुष्टि मार्ग नहीं है, ये पुष्टि मार्ग हो नहीं सके है। एक बात सहज समझ लो कि हम बालक बिक जाएंगे सहज संभव है, तुम बिक जाओगे ये सहज संभव है, हमारा ईमान बिक जाएगा ये संभव है, हमारी शान बिक जाएगी वल्लभ कुल के आचार्य होने की ये सहज संभव है, ट्रस्टियां लात मार के हमको निकालेंगे ये भी सहज सब संभव है, हमारा परिवार भी बिक जाएगा ये संभव है। पर जो सौगंध मैंने खाई अपनी गंध नहीं बेचूंगा, चाहे सभी सुमन बिक जाए चाहे सब उपवन बिक जाए मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपना आनंद अपना परमानंद जो है वो अपनी सुगंध है, अपने सेवा कथा की सुगंध है, वो सुगंध कभी बिक नहीं सके, कोई खरीद नहीं सके। एक बात ध्यान समझो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी बात समझने की जरूरत है कि सेवा बिक रही है, ठाकुर बिक रहे है, दर्शन बिक रहे हैं, उनके मनोरथें बिक रहे हैं, मठड़ी बिक रहे है, बालकन को ईमान बिक रहे है, बालकन को स्वाभिमान बिक रहे है, तुम्हारो ईमान बिक रहे है, तुम्हारो सब बिक रहे है, बिक रहे हो तो बिक तो हो। तुम अपने आप में ये दृढ़तर महाप्रभु जी पे निष्ठा रखो कि अपनी गंध नहीं बेचूंगा, मेरी गंध मेरे सेवा कथा की गंध आनंद और परमानंद है, वो जब बिके है तो खरीदी नहीं जा सके, जहां खरीदी जा रही है वहां आनंद परमानंद नहीं है। मछली तुम खरीद सको, मछली में तुम जो है वो प्रसाद को आनंद नहीं खरीद पाओगे, सेवा तुम क्रिया खरीद सको हो पर सेवा में मिलते जो आनंद है वो तुम खरीद नहीं सकोगे, कोई बेच नहीं सकेगो, कथा तुम खरीद सकोगे, पोथियां खरीद सकोगे दक्षिणा देके, पर वो कथा में मिलते जो परमानंद है वो ना बेचे जा सकेगो ना खरीदे जा सकेगो, तुम सिर्फ रखड़ रहे हो कथा पट्टी में, तो वो बिकेगो नहीं, वो बेचे जा सकेगो नहीं, वो खरीदे जा सकेगो नहीं, बस जो खरीदे नहीं जा सके है, जो बेचे नहीं जा सके है, मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा, चाहे सभी सुमन बिक जाएं, अपनी गंध नहीं।